कैसे हो आप सब। वेलकम टू द सेपियन ट्यूटोरियल्स। तो आज हम बच्चे डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो होती है रिमाइंडर थ्योरम। पॉलिनोमियल्स चैप्टर में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दो थ्योरम आती हैं। इन्हें बहुत समझना बहुत आसान है और इसके बेस पे क्वेश्चन करना और भी आसान होता है। ठीक है, तो चलो समझते हैं आज हम रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, जब भी किसी भी नंबर को जैसे ये 15, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 2 से, तो 2 × 6 प्लस का रिमाइंडर बच जाता है 3। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बच जाता है बच्चे, 2 को डिवाइड किया 15 से, तो 2 × 6 जा, ठीक है, सॉरी 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 × 6 जा 2 × 7 जा चला जाएगा, 2 × 7 जा 14 और रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा। तो रिमाइंडर दिया जाता है। ठीक है बच्चे, अगर मुझे 14 को डिवाइड करना होगा, अगर मैं 14 को डिवाइड करूँ तो 2 × 7 उस केस में क्या रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चे, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हम सिंपल से जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, जिसमें क्या कुछ रिमाइंडर्स आए। तो रिमाइंडर थ्योरम हमसे कहती क्या है, रिमाइंडर थ्योरम हमसे ये कहती है, क्योंकि हम ये सीखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के लिए। किसके लिए बच्चे, पॉलिनोमियल्स के लिए। जैसे यहाँ पे दिया है 3x², जैसे डिवाइड किया गया x² + 3x + मान लिया कि आ गया मेरे पास 2। ठीक है, समझ आया बच्चे, मान लिया यहाँ पे है 2, मुझे 2 से इस थ्योरम को डिवाइड करना था x + 1 से। किससे डिवाइड करना था, इसे x + 1 से। तो पहले आज हम बच्चे सीखेंगे डिवाइड करना। ठीक है, जो बच्चों को डिवाइड करने में दिक्कत होती है वो आज समझेंगे कि डिवाइड कैसे किया जाता है, किसी भी पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं, उसको रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर बाद में मैं रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से इसका सीधा रिमाइंडर निकाल के दिखाऊंगा कि किस तरह निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लिया, लेट कर लिया कि इस ये px = x² + 3x + 1 + 2 है, ऐसे डिवाइड करना है जी एक्स पॉलिनोमियल जो कि है x + 1। तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो डिवाइड कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो डिवाइड करते समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि सभी ऑर्डर में अरेंज हो। अगर ऑर्डर में अरेंज नहीं तो पहले आप उसे ऑर्डर में अरेंज करोगे, यानी सबसे बड़ी पावर, फिर इससे छोटी पावर, फिर लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म। इसी तरह इधर भी डिवाइड करते समय हम ध्यान देंगे कि किस तरीके से करते हैं। अब डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला नंबर है यहाँ x, यहाँ पे देखते हैं x और यहाँ पे है x². तो सिंपल सा है मुझे कि अगर x है और इसे x² बनाना है तो x से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा x × x, x² फिर 1 का भी मल्टीप्लाई वो x से ही होगा। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई जब x से होगा तो ये आएगा सिर्फ x। अब इसको क्या करते हैं, माइनस, डिवाइड में क्या करते हैं माइनस, तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा और 3x में से 1x चला जाएगा, माइनस होगा, नीचे वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो 3x - x तो ये आएगा 2x प्लस का जो रिमाइंडर बच रहा था वो लिख लिया मैंने। अब यहाँ x यहाँ है 2x, तो हमें करना पड़ेगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2x और 1 का 2 से करेंगे तो आएगा 2, दोनों को माइनस कर दें तो ये माइनस कैंसिल, ये भी प्लस में था, ये माइनस में, ये भी कैंसिल, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया बच्चे, 0। इसका क्वेश्चन कितना आया बच्चे, x + 2 और ये क्या है x + 1, यानी x + 1 × x + 2 रिमाइंडर कितना बच्चा, 0। तो इसको हम लिख सकते हैं x² + 3x + 2 को हम लिख सकते हैं x + 1 और x + 2 प्लस का 0, 0 यानी रिमाइंडर आया बच्चे। ठीक है, इसे कहते हैं डिविजन थ्योरम। डिविजन थ्योरम का मतलब होता है कि डिविडेंड = होता है डिवीजर इनटू कोशेंट, स्पेलिंग देख लेना बच्चे, एंड प्लस का रिमाइंडर, क्या होता है बच्चे, रिमाइंडर। तो आई होप जो समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते समय फिर से देखते हैं बच्चे, सबसे पहले ऑर्डर को अरेंज कर लेंगे, फिर इधर भी ऑर्डर को, जिससे डिवाइड करना है उसको भी ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद पहला नंबर चेक करेंगे, उसको उस तरह बनाना ही पड़ेगा। तो x को x² बनाने के लिए मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो ये x² बन गया, जो कैंसिल हो गया माइनस करते समय, और जो साफ है उस नंबर का भी मल्टीप्लाई 1x से ही होगा, तो 1 का x में किया तो x आ गया, माइनस किया तो 2x आ गया, और जो 2 बचा था वो लिख लिया। फिर x यहां था, यहां 2x था, तो मुझे उसको 2x बनाने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और इसे 1 को भी 2 से किया तो ये आ गया मेरे पास, और
टू एक्स कैंसिल आउट हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना हो गया बच्चे जीरो, रिमाइंडर कितना हो गया बच्चे जीरो। तो ये था सिंपल डिवाइडेशन, किस तरह कहते हैं डिवाइडेशन। अब मुझे अगर सिर्फ इसका रिमाइंडर बताना होगा, डिवाइड नहीं करना मुझे, अगर मुझे सिर्फ इसका रिमाइंडर बताना होगा तो हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम हमसे ये करती है कि जब भी किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को जो दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, जो डिवीजर का जो डिवाइजर का जो डिवाइजर का जीरो आता है, जो डिवाइजर का जीरो आता है, तो अगर उसकी वैल्यू डायरेक्टली हम पुट कर दें, अगर किसी भी पॉलिनोमियल, लेट कर लिया, लेट पी एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स, लेट नहीं इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है जो दूसरे पॉलिनोमियल जी एक्स से डिवाइड किया गया है, देन द वैल्यू ऑफ जीरो ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ जीरो ऑफ जी एक्स, यानी डिवाइजर का जीरो की वैल्यू होगी, जीरो की वैल्यू होगी, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स and find, ठीक है, जो जीरो की वैल्यू होगी यहाँ पे, मान लिया कि यहाँ पी एक्स पॉलिनोमियल विच इज डिवाइडेड बाय जी एक्स, विच इज डिवाइडेड बाय जी एक्स, एंड ए इज जीरो ऑफ जी एक्स, देन रिमाइंडर विल बी क्या हो जाएगा, पी ए, यानी पी की वैल्यू हम लास्ट में पुट के एक्स की जगह पे सीधा सीधा क्या पुट कर देंगे, ए, यानी उसका जीरो निकालेंगे, जो भी जिस डिवाइजर से हमें जिससे डिवाइड करना है उसका जीरो निकालेंगे, और उसका जीरो जो भी आएगा उसको डायरेक्टली हम पुट कर देंगे किसमें, उस गिवन पॉलिनोमियल में, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, पी ए। फॉर एग्जाम्पल मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, जैसे कि आपके कुछ क्वेश्चन मैं करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे, मुझे चेक करना है कि ये इसका रिमाइंडर कितना आता है, ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ, यहाँ जैसे दिया है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस का x प्लस का 1 is divided by x minus 1। अगर मैं जो x minus 1 से इसका डिवाइड किया गया, ठीक है, तो ये px हो जाएगा और ये gx हो जाएगा, तो gx का मैं क्या निकाल लूं, gx का मैं निकाल लिया 0, ठीक है, तो इसका जीरोस निकालेंगे, तो x minus 1 equal to 0, तो x is equal to हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चे 1। अब 1 को क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो p 1 is equal to हो जाएगा 1 की पावर 4 प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 एक सेकेंड स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 3 4, तो 4 माइनस 2 यानी इसका आंसर है, इसका रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे 2 आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे 2 आएगा, समझ में आया बच्चे। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, जो भी जिस भी डिवाइजर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसका जीरोस निकालेंगे, उसका जीरोस जो भी आएगा उसको सीधा गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, तो उसका सीधा हमें क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बच्चे, रिमाइंडर मिल जाएगा, यही है रिमाइंडर थ्योरम, यही है क्या बच्चे, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में कुछ नहीं करना, जो भी डिवाइजर है उसको इक्वल टू जीरो मान के उसका क्या निकाल लेना है, फैक्टर, सॉरी उसका क्या निकाल लेना है, जीरो निकाल लेना है, जो उसका जीरो जाएगा, जो भी उसका जीरो जाएगा उसको डायरेक्टली हम पुट करेंगे जिसे डिवाइड करना था उसमें, ठीक है, जिसे डिवाइड करना था उसमें उस चीज की वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे वैल्यू पुट करेंगे जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, ठीक है। अगर किसी का आंसर जीरो आता है, अगर किसी में रिमाइंडर जीरो आता है, अगर किसी में रिमाइंडर क्या आ जाए बच्चे जीरो आ जाए, तो जीरो आ जाए, ठीक है, अगर किसी में इफ रिमाइंडर विल बी जीरो देन डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ
गिवन पॉलिनोमियल। अगर कभी भी किसी का रिमाइंडर जीरो जाता है तो जिस चीज से डिवाइड करते हैं वो गिवन पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। तो इसी का उल्टा भी कह सकते हैं, इसी को हम और भी बोल सकते हैं फैक्टर थ्योरम। यहाँ पे अगर पढ़े फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम का मतलब यही होता है कि अगर किसी का रिमाइंडर जीरो है, अगर किसी का रिमाइंडर क्या आ जाता है जीरो, अगर किसी का रिमाइंडर क्या आ जाता है जीरो, तो उसका क्या हो जाता है फैक्टर हो जाता है। अगर किसी का रिमाइंडर, जब भी हम किसी चीज को किसी नंबर से डिवाइड, किसी भी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और उस कंडीशन में अगर उसका रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो उसको जो डिवाइजर होता है वो डिविडेंड का क्या हो जाता है फैक्टर हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे, फैक्टर। इसी को बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। तो आओ बच्चे आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप बच्चों समझ में आया होगा कि क्या होता है। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा, ठीक बच्चे। तो चलो बच्चों फिर आते हैं आज की वीडियो पे, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस करने वाले, तो क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हम यहाँ करने पड़े हैं। तो हम यहाँ पे आज सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो आपकी बुक में जो लिखा है वो लिखा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स की पावर 3। फाइंड द रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है किसका, एक्स की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 is divided by पहला है x plus 1 से, दूसरा है x minus 1 by 2 से, तीसरा है x plus pi से, और चौथा है 5 plus 2x से, ठीक है। अगर इन चारों को इससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इन चारों से इनको डिवाइड करेंगे, तो पूछा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो चलो चलो बच्चों जल्दी से एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, किसे डिवाइड किया गया, x प्लस 1 से, किसे डिवाइड किया गया x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 को मान लेंगे 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1। तो हम गिवन इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन जो थी उसमें पुट कर देंगे x की वैल्यू कितनी बच्चे माइनस 1। तो अगर पुट x इज इक्वल टू माइनस 1, तो जैसे पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1 इस गिवन इक्वेशन में, तो पुट करते हैं तो माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1। तो जल्दी सॉल्व करो, जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर क्या होती है, ऑड नंबर होती है, जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड होती है तो उसका आंसर भी नेगेटिव होता है, तो माइनस 1 ही आएगा इसका, प्लस 1 किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो हम इसको उसका आंसर प्लस में आता है, तो 3 × 1 आ जाएगा प्लस 3 प्लस 1 प्लस माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा, इसी तरह प्लस 1, ठीक है। तो ये माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1, तो इसका जो रिमाइंडर आता है ये आता है 0, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा कितना आएगा 0। इसका मतलब समझना कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल का क्या था फैक्टर था। आई होप बच्चे समझ में आया होगा x प्लस 1 क्या था, उस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर था, तभी इसका रिमाइंडर कितना आया बच्चे 0 आया, तभी इसका रिमाइंडर कितना आया बच्चे 0 आया। तो जल्दी से जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे x इज माइनस हाफ इज इक्वल टू 0, हमने इसको तुरंत 0 मान लिया, x की वैल्यू आ गई हाफ, x की वैल्यू क्या आ गई हाफ, पुट इन पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल गिवन था ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं, तो पुट करो तो x क्यूब पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें पुट करते हैं तो माइनस 1 सॉरी इस बार पुट करना है 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 की पावर 3 प्लस 3 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 3 1 बाई 2 प्लस 1। तो जल्दी से करते हैं, तो 1 बाई 2 को 1 का क्यूब करेंगे तो 1, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, ये हो जाएगा 3 बाई, ये हो जाएगा 1 बाई 4 हो जाएगा, इसी तरह ये 3 बाई 2 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो ये आया 1 बाई 8 प्लस 3 बाई 4 प्लस 3 बाई 2 प्लस 1, तो सभी इसके नीचे कुछ नहीं था, इसके नीचे 1 ले लो
और इसका अगर मैं फैक्टर निकालू, अगर इसका एलसीएम निकालूंगा तो इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चे, 8 आएगा, 8 आएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 टू जा 8, 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस 2 4 जा 8 और 4 3 जा 12 हो जाएगा, और ये तो सीधा सीधा 8 हो जाएगा, तो ये आएगा 12 और 20 26 27 अपॉन 8, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे, 27 अपॉन 8। तो आई होप बच्चों समझ में आया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस को हम यहां पे कर रहे हैं। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, अब तीसरे क्वेश्चन पे बारी आती है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए। नए यूजर्स जितने भी हैं, नए बच्चे जितने भी हैं, फॉलो करते रहिए मुझे। मैं आपको हर एक चैप्टर की एक अच्छी से अच्छी वीडियो दूंगा और आपको हर सलूशन समझा के बताऊंगा कि ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या है। तो मैथ्स में इंपॉर्टेंट है समझना। तो जल्दी से बच्चों थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड इसी का थर्ड पार्ट है, इसी का थर्ड पार्ट है, x प्लस पाई, x प्लस पाई इज इक्वल टू 0, x प्लस पाई इज इक्वल टू 0, तो x प्लस पाई इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का पाई। तो जहां जहां x होगा वहां क्या पुट करेंगे, माइनस पाई। तो क्वेश्चन मेरा था x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें पुट करना है x की जगह माइनस पाई। तो माइनस पाई का क्यूब प्लस माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू पाई प्लस 1, माइनस पाई का क्यूब करेंगे तो माइनस पाई ही आएगा, पाई का स्क्वायर पाई क्यूब, माइनस पाई क्यूब आएगा, ये माइनस का 3 पाई हो जाएगा, सॉरी ये जो प्लस का रहेगा ये 3 पाई स्क्वायर आ जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव बन गया क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। इसी तरह ये आएगा माइनस का 3 पाई, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 3 पाई प्लस 1। अब ये इसका आंसर आएगा माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। सारे नंबर्स पाई में, देखो एक भी एक्स नहीं दिख रहा। अब देखो इनको सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर पाई की वैल्यू दी है तो हम इसको और इजीली सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं, लेकिन पाई ही बोला गया था इसलिए हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। सारे नंबर सब पाई में आ गए तो यहीं पे छोड़ देंगे, तो इसका रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 5 + 2x, उसको देखते हैं, ठीक है। तो 5 + 2x में देखते हैं, तो 5 + 2x, तो पहले इसे सीधा लिख लें। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, तो इसे मैं लिखूंगा 2x + 5 = 0 मान लोगे तुरंत, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5 और x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5/2। तो x की वैल्यू कितनी है बच्चे, माइनस का 5/2। पुट करोगे बच्चे, पुट करो जल्दी से। तो क्वेश्चन था x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें पुट करो माइनस 5/2, माइनस 5/2 का होल क्यूब प्लस 3, माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3, माइनस का 5/2 प्लस का 1। तो माइनस 5 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा कितना, माइनस 125, और 2 का क्यूब करेंगे तो आएगा 8 प्लस 3, तो 3 आ जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 अपॉन 4 आ जाएगा। इसी तरह ये आ जाएगा प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 5, तो 5 से 15 अपॉन 2 प्लस का 1, तो माइनस का 125 अपॉन 8 आ गया, और ये 25 3 जा 75 अपॉन 4 आ गया, माइनस का 15 अपॉन 2 प्लस का 1। इसके को नीचे कुछ नहीं लिखा था तो आप लिख सकते हो 1, ठीक है। नीचे का दिख रहा है बच्चे, नीचे का दिख रहा हो तो बताना, नहीं दिख रहा हो तो अभी बताना ताकि मैं ऊपर लिखता जाऊं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको दिख ही रहा होगा बच्चे, यहाँ तक तो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो अब आते हैं नीचे के क्वेश्चंस पे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करो, सबका एलसीएम आ जाएगा 8, ये तो आ जाएगा सीधा सीधा माइनस 125, 4 टू जा 8 होता है 75, टू जा 150, 2 4 जा 15, 4 जा माइनस 60, और 1 का 1 तो 8 ही आएगा। तो पहले माइनस माइनस प्लस कर लेते, 125 और ये हो जाएगा 180, माइनस का 185, 158 प्लस का 158, इन दोनों को माइनस करो तो 185 माइनस का 158, 5 में से 8 गए 3, और ये 7 में से, सॉरी ये 7 आ जाएगा 185, और इस 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा 27, माइनस का 27 अपॉन 8,
ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, ये हो जाएगा मेरे बच्चे रिमाइंडर। उस कुछ नहीं करना बच्चे, डिवाइड करने की कोशिश नहीं करना, हमें सीधा रिमाइंडर बताना है, तो हम इस तरीके से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो आई होप बच्चे समझ में आया होगा। तो चलो जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर आपसे टू में मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू आज का जो है, क्वेश्चन नंबर टू हमें ये बताता है कि क्वेश्चन नंबर टू क्या करना है बच्चे, ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना, चेक करना है कि रिमाइंडर, उसे चेक करके बताना है, क्वेश्चन में देख कर रिमाइंडर बताना है, क्या बताना है रिमाइंडर। और अगर कोई किसी का फैक्टर होता है तो उसका रिमाइंडर कितना आ जाता है बच्चे, जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो है तो उसका फैक्टर चेक, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, फाइंड द रिमाइंडर क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स ए सिक्स एक्स सिक्स एक्स माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अगर एक्स माइनस ए से वो डिवाइड हो रहा है तो मुझे बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा। तो वही जिससे डिवाइड करते हैं सबसे पहले उसका जीरो निकाल लो, तो एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा ए, वैल्यू पुट कर दो इसमें चुपचाप। तो क्वेश्चन था एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए, तो पुट करो एक्स की जगह कितना पुट करना बच्चे, एक्स की जगह पुट करना ए, तो ये हो जाएगा ए का क्यूब माइनस ए ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस सिक्स ए माइनस ए, तो ये बना ए क्यूब, और ये ए स्क्वायर इंटू ए ए क्यूब ये भी हो जाएगा, प्लस का सिक्स ए माइनस का ए, ए क्यूब प्लस माइनस का ठीक है, सिक्स ए में से ए के चला गया तो फाइव ए, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया फाइव ए, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये रिमाइंडर फाइंड करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है बच्चे। तो आई होप समझ में आया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर रहे हैं। चलो बच्चे फिर आते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है वो चलो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस n। हमें ये चेक करके बताना है क्या, हमें चेक करके बताना है कि क्या 7 प्लस 3x फैक्टर है क्या, 7 प्लस 3x फैक्टर है क्या, 7 प्लस 3x फैक्टर है क्या 3x क्यूब प्लस 7x का, 3x क्यूब प्लस 7x का क्या वो फैक्टर है, चेक करके बताते हैं। चलो जल्दी जल्दी बच्चे चेक करते हैं। तो पहले इसको 7 प्लस 3x ए इज फैक्टर फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x, क्या इसका फैक्टर है चेक करना है, चेक करना है तो चेक करना है, फैक्टर होगा तो इसका रिमाइंडर कितना रहना चाहिए जीरो होना चाहिए। तो हमने तुरंत लगाया भाई, तो हमने क्या माना कि इसको इससे डिवाइड करना है, ये इसका फैक्टर है चेक करना है, तो इससे इसको डिवाइड कर दो, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो ये फैक्टर होगा, तो डिवाइड करते हो 3x + 7 इक्वल टू पहले जीरो मान लेते हैं, सीधा लिख लिया, तो 3x इक्वल टू माइनस 7 और x इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3। अब इसकी वैल्यू चुपचाप उठा के इसमें पुट कर दो, तो 3x क्यूब प्लस का 7x यहाँ पे आता है, 3x की जगह पुट क्या करना था 7 3 का होल क्यूब प्लस 7, ठीक है बच्चे। तो 3 7 7 जा 49 49 9 7 जा 9 7 जा 243, एक बार 7 7 कर लें तो यह जाएगा, इसका आएगा माइनस 7 इंटू माइनस 7 इंटू माइनस 7 कर लो, माइनस को प्लस का 49 इंटू माइनस 7 79 जा 3 63 और 7 4 जा 28 आएगा, इसका करेंगे तो प्लस माइनस 49 अपॉन 3, 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 3 जा 9 एक 10, LCM हो जाएगा, तो माइनस 10 0 2 9 9 9 9 जा 81 ठीक है, माइनस दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे, 9 1 10 4 2 6 6 7 4 0 4 और ये
माइनस हो गया 27, ठीक है। तो ये मेरा आंसर क्या है, ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ये नॉट इक्वल टू जीरो, जो भी सॉल्व होने के बाद आएगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इसका मतलब इसका रिमाइंडर जीरो तो नहीं है। सो आंसर क्या हो जाए, सो 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x का, ठीक है बच्चे। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो आई होप बच्चे समझ में आया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लगा सकते हो, जितने भी रिमाइंडर थ्योरम से बेसिस क्वेश्चन होंगे। रिमाइंडर निकालना होगा तो हम सीधा सीधा डिवाइजर की वैल्यू को जीरोज बना लेंगे और जीरोज निकालने के बाद सीधा सीधा पुट कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो आई होप बच्चे समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो नई वीडियो के साथ और नया थ्योरम स्टार्ट करेंगे और नए क्वेश्चन आएंगे। तो तब तक के लिए बच्चे थैंक यू।